हम मुंगेर लोकसभा के लखीसराय विधानसभा में हूँ, जहाँ से विधायक विजय सिन्हा है, अभी फिलहाल में उप मुख्यमंत्री है, लेकिन यहाँ पर विकास के नाम पर जीरो है। मुख्य रोड जो है इस गांव में जो जोड़ती है इतना ख़राब है 2 किलोमीटर तक लगभग कि कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी मैं जिस गांव में मौजूद हूँ, इस गांव का नाम बेला है, और यहाँ पर लोग हैं जो ताश खेल रहे हैं क्योंकि बेरोजगारी भी काफ़ी है भारत में। हम पूछेंगे कि हालांकि इधर का माहौल क्या है। चाचा, आपका गाँव में तो विकास नहीं हुआ है, लेकिन इस बार क्या होगा 2024 में? इस बार क्या होगा, देखिए रहे हैं समस्या। जब तक रोड मिलेगा नहीं यहाँ से तो वोट उठ जाएगा नहीं। हम लोग का तो यही निर्णय। यहाँ से जो है चुनाव लड़ रहे हैं ललन सिंह और अशोक महतो जी, तो किधर वोट जाएगा? विकास तो नहीं हुआ, लेकिन अगर जो आप नया या पुराना लोग को नहीं चुनिएगा तो फिर तो विकास तो असंभव है। अभी तो यहाँ कोई सब प्रत्याशी नहीं आए हैं, ना उनका कोई सहायक आया, तो क्या करें हम लोग। अच्छा, विजय सिन्हा जी कभी आपका गांव में आए हैं? हाँ, वो तो आए हैं, तो रोड फिर भी इतना खराब है। वो तो बोले थे कि रोड देंगे, तो उनका तो वोट दिया गया, लेकिन रोड तो मिला नहीं। लोकसभा में क्या होगा 2024? लोकसभा में आएंगे, कैंडिडेट आएंगे तो उनसे बातचीत किया जाएगा, यदि बना देते हैं तो वोट पड़ेगा। अच्छा, अभी एक गांव से उधर से आए तो उधर तक जो है गांव का रोड जो है सही बना हुआ है वहां तक, लेकिन वहां से बगल में जो है आपका गांव में आने के लिए जो है काफी रोड खराब है। बहुत खराब है, तो बहुत समस्या हम लोग के साथ। क्या बोले, गाड़ी भी पलटी मारता है, दो बार तो मार चुका है। क्या बोल रहे हैं? 2 से 3 बार पलटी मार चुका है गाड़ी। हाँ, तो वोटवा किधर पड़ेगा 2024 में? जब तक आप अच्छे लोगों को नहीं चुनिएगा तो रोड जब तक नहीं इसका रोड का क्लियर बात होगा तब तक वोट नहीं पड़ेगा। इस बार किसी को भी नहीं वोट पड़ेगा, किसी को नहीं पड़ेगा। तो फिर तो ऐसे जो लोग जीते वो ही जीते, जो आएंगे मांगेंगे वो कहेंगे कि हम दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको पड़ेगा। अगला बार तो कहेंगे कम से कम तो सिन्हा जी, सिन्हा जी बोले थे कि पहले जो हमको वोट दे दो हम तुरंत पिचिंग करवा रहे हैं। वोट दे दिया। कब बोले थे? अगले चुनाव में 2020 में। हाँ, अगले चुनाव 20 में हुआ कि हाँ 20 में उसी टाइम में बोले थे कि हम तुरंत पिचिंग करवा रहे हैं, वोट हमको दो। आप दो दिन शायद काम रिपेयरिंग का गिट्टी भराया था, गड्ढा था। उसके बाद जो वोट ले लिए उसके बाद गए तो दोबारा नजर नहीं आया। कौन, विजय सिन्हा जी? विजय सिन्हा जी। मुख्य जो रोड है वही खराब है, तो 2024 में क्या होगा, किसको वोट पड़ेगा? वोट पड़ेगा जो लोग हमारे गांव को विकास करेंगे। आज तक तो आए हैं, आप देखे ही हैं गांव का जो हालात है, गांव का रोड का जो हालात है, और गांव में हमारा स्कूल है, स्कूल के पास स्कूल जाने का जो रास्ता है वहां तक माननीय विधायक हमारे क्षेत्र के श्री विजय कुमार सिन्हा जी डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने आया और उन्होंने अपनी बात को रखा, मैंने उनके अपनी बात को उनके सामने रखा, तो वो बोले कि 2 महीना में आपकी रोड को आज तक हम सब क्लियर करवा देंगे। आज तक मेरा रोड बन ही रहा है, नहीं बना अभी तक। हाँ, देखिए ना, आप देखे नहीं, अभी सांसद जो है चुनाव होगा 2024 में एमपी का, तो किधर वोट पड़ेगा, अशोक महतो या ललन सिंह के? वोट एक तो आपका विकास नहीं हुआ, जब तक आप न्यू नहीं चुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप न्यू या पुराना चुनेंगे ना, तो इस बार क्या माहौल है आपकी तरफ से? जिनको भी चुनते वो तो नया से ही पुराना होते हैं, जिनको भी चुनते वो चुनते हैं तो अच्छा कोई, लेकिन आके यहाँ तो खराब हो जाते हैं ना। यहाँ एक चीज नोटिस किया हूँ, कहीं ना बैकवर्ड फॉरवर्ड भी हो रहा है। बैकवर्ड ऐसी कोई बात नहीं है, विकास के मामले में कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं होता, वो अपनी अपनी मानसिकता है विकास करने की। बैकवर्ड फॉरवर्ड क्या है, बहुत सारे और भी बैकवर्ड गांव हैं जहां आप देख सकते हैं अच्छी विकास हुई। यहां क्यों नहीं हुई? अब यहां नहीं, उसकी जिम्मेवार तो वही है, माननीय विधायक जी हैं और जो लोग अधिकारी सांसद जी हैं वो सांसद हैं। हाँ, तो फिर बैकवर्ड फॉरवर्ड क्यों नहीं है? बैकवर्ड तो रहा है ना, कम बेसी तो हो ही रहा है। अब हो रहा है, बैकवर्ड फॉरवर्ड वो जान रहे हैं, उनके अंदर की बात है ना, हम क्यों जान सकते हैं उनके अंदर की बात, वो बैकवर्ड फॉरवर्ड कर रहे हैं कौन कर रहा है, अब उनके मन में है तो वो जान सकते हैं, उनके मन की बात तो हम नहीं बोल सकते। पलरा किसका वाले है, तीर वाले या लालटेन वाले? यहाँ लाल जीतेगा इस बार, पलरा और कोई भारी नहीं है यहाँ। जो लोग आएंगे, जो लोग अच्छा काम करेंगे उनको वोट मिलेगा, वो जीतेंगे। क्या लग रहा है आपको, कौन जीतेगा 2024 में, लालटेन छाप या तीर छाप? कोई नहीं जीतेगा, हाँ? कोई नहीं जीतेगा, कैसे जीतेगा हाँ? जब हम किसी को देवन करेंगे तो कौन जीतेगा हाँ? हम किसी को देवन करेंगे कौन जीतेगा? नहीं जीतेगा, कैसे जीत जाएगा, कैसे जीत जाएगा? आप नहीं दीजिएगा, अगला आदमी वोटवा देंगे हाँ, तो, अगला आदमी देगा तो अगला आदमी कहिए ना, अगला आदमी कहिए ना, फिर तो अगला आदमी अगर दे रहा है आपको तो अगला। क्या नाम हुआ आपका? धनंजय सिंह।
धनंजय सिंह, क्या माहौल है यहाँ? यहाँ तो आपका गांव का जो मुख्य रोड है वो काफ़ी ख़राब है। इस बार 2024 में किधर जाएगा वोट आप? अब देखिए जनता पब्लिक किधर क्या करते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग कहते क्या बोल सकते हैं। लोग युवा है ना, युवा तय करेंगे। तो जैसे एक वोट से हमसे क्या होगा, एक वोट से हम क्या हो सकता है, एक वोट से बहुत कुछ हो सकता है। आरजेडी को जाएगा, आरजेडी जाएगा। तो आरजेडी से उम्मीदवार कौन है पता आपको? अभी तो नॉमिनेशन हुआ है लेकिन अभी तक पता कंफर्म नहीं हो पाया। उम्मीदवार ही जो है घोषित हुआ है अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी। अनीता देवी हाँ। तो क्या माहौल है उनका इधर? अब देखिए अभी तो हम लोग अभी मीटिंग नहीं किए, मीटिंग करने के बाद बता सकते क्या हो सकता है। आरजेडी का कार्यकर्ता है जी? नहीं कार्यकर्ता नहीं, लेकिन हम लोग सपोर्ट ज्यादा करते हैं। चलिए तीर हाँ लांटे चलेगा, तीर कैसे चलेगा? लांटे चलेगा लेकिन तीर वाले तो लगातार सांसद बन रहे हैं। नहीं नहीं वो जो पलटू है ना तीर नहीं चलेगा अभी। अच्छा, आपका गांव में विकास क्यों नहीं हुआ? जो मुख जो रोड है वो काफी खराब है, वो सब लोग चुतिया है, जो क्या करेगा सब लोग क्या आता है भाषण देख चला जाता है, कुछ काम नहीं कर रहा सब। यहाँ विधायक है सब सही है, देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो है काफी आक्रोश है। और जी इधर सब ठीक है? ठीक है ठीक है। आपका गाँव में तो रोड काफी खराब है, किधर वोट पड़ेगा इस बार? तीर लांटे से पड़ेगा, लांटेन में पड़ेगा। तीर भी बोल रहे हैं, लांटेन भी बोल रहे हैं। बोल निकल गया, तीर पे पड़ेगा, लांटे पे पड़ेगा। गलती से निकल गया? हाँ गलती से निकल गया। गलती से निकल गया, कई काम करता है बाहर नहीं चले जाता है। हाँ हाँ, तो साफ साफ बात है कि लांटेन छाप जीतेगा। लांटेन छाप कैसे जीतेगा? जीतेगा सब तो बोल रहा है, तो आपका गाँव को वोट भी नहीं देंगे? नहीं देगा वोट कैसे? सब देगा? सब देगा। नहीं देगा कोई? नहीं देगा। नहीं देगा कैसे? कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? 8th क्लास में।